अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल एक ही राउंडर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो आज रमज़ान का पहला शबे कदर की रात, तो अभी हम जगे हुए, हमने यहाँ पे छत पे ही अपने अपना एक सेटअप बनाया है जहाँ पे हम बैठ के नमाज़ पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे। यहाँ पे फ़िलहाल इनसे मिलिए, ये मेरी फ्रेंड है, इनको मैं लेके आ गई इनके घर से, और यहाँ पे अभी ये तस्वीर पढ़ रही है और मैं भी यहाँ पे तस्वीर पढ़ रही हूँ। अभी फ़िलहाल 12 बजने वाले, इसलिए हमने सोचा तस्वीर पढ़ ले, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना 12:30 बजे के बाद कलाम पाक पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। जैसे ही आगे की जो भी होगी मैं अपडेट करती रहूँगी, तब तक के लिए आप हमारे साथ बनी रहिए वीडियो में। यहाँ पे तस्वीर पढ़ रहे थे, उसके बाद यहाँ पे कांगे भाभी जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अब हम सब साथ में मिल के बैठ के इबादत करेंगे पूरी रात। नमाज़ पढ़ने यहाँ पे सब लग गए हैं, जन्नीमाज बिछाने। यहाँ पे भाभी है, ये हैं और मैं हूँ। तो अभी हम पहले नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद मिलते हैं। सो यहाँ पे हम कलाम पाक पढ़े, भाभी तस्वीर गिन लिए लेट के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइट फील गई थी इसीलिए। देखिए जो है चांद, वो आपको दिखेगा नहीं, मेरा कैमरा थोड़ा अच्छा नहीं है तो इसलिए वो प्रॉपरली आपको दिखेगा नहीं, पर बहुत ही प्यारा सा चांद, जो बोलते नहीं आधा चांद जो ऐसे होता है, समथिंग वैसा है वो चांद, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। मैं प्रॉपरली दिखाएँ तो अभी हमने तहज्जुब की नमाज़ पढ़ी, 8 रिकात नमाज़ पढ़ी तहज्जुब की, और शबे कदर की हमने 6 रिकात नमाज़ पढ़ी है। देन उसके बाद हम कलाम पाक पढ़ने जा रहे हैं दोबारा से। अभी टाइम हमारा हो रहा है 2:30 बज गए हैं, तो अभी 2:30 बज गए, अभी शायरी में बहुत टाइम है, तो इसलिए हमने सोचा कलाम पाक पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये तस्वीर पढ़ रही हैं, भाभी थोड़ा रेस्ट कर रही हैं, तभी हम कलाम का टाइम अभी हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं शायरी बनाने। बाय द वे मैं बता दूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, अगर मैं सो ही ना तो बता रही हूँ कि सोहर के टाइम पर ही उठूँगी मैं, इतनी ज़्यादा वाली नींद आ रही है, बट कोई बात नहीं होता है। और यहाँ पे ये माता, इनको फिलहाल नींद आ रही है, पर अब ये शहरी करेंगी, फिर फजर की नमाज़ पढ़ेंगी, फिर कलाम पाक पढ़ेंगी, फिर जाके ये सोएंगी, और अभी मैं जाऊँगी शहरी बनाऊँगी। यहाँ पे मैं आटा गूंज रही हूँ, यहाँ पे दूध बॉईल हो रहा है, यहाँ पे हम रोटी बनाएंगे, यहाँ पे ये मैडम बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही है, पीछे से मैडम अपना खाना लेके आ रही है, मतलब कि समझ रहे हो ना, हाँ आप समझदार हो। आटा रेडी कर लिया है, अब हम जा रहे हैं पहले रोटी बनाएंगे, उसके बाद पराठे सेकेंगे। यहाँ पे हमारे भाभी जी चाय बना रही हैं, और ये माता, देखिए सहरी के लिए रोटी बना रही है, मैं से ज़बरदस्ती बोल रही वीडियो बनाओ बनाओ, फिर मैं अकेली बच्ची क्या करती, बनाना पड़ रहा वरना मुझे कोफ्ते में ले आके बनाती है। यहाँ पे मेरे पराठे रेडी हो गए हैं, पैतवी बहुत गर्म है, यहाँ पे मेरे पराठे बेल दिए हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं जा रही हूँ इसे इसके घर पे छोड़ने के लिए, क्योंकि इन्हें शहरी कर अपनी खोर शहरी का टाइम हो चुका है। यहाँ पे हम साथ में मिलकर शहरी करें, यहाँ पे मेरे पराठे, यहाँ पे भाभी शर्माते हुए, इनके सामने जब भी कैमरे लेके जाएंगे वैसे शर्माते हुए नजर आएंगी, आई डोंट नो व्हाई, कोई बात नहीं, हम उन चीज़ों को इग्नोर करके हम अपने शहरी पे कॉन्सन्ट्रेट करते हैं। फिर हमने फजर की नमाज़ पढ़ी भाभी और हमने अभी नमाज़ पढ़ लिया फजर की, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, सोने के बाद अब मैं बाद में मिलती हूँ। टाइम हो रहा है और यहाँ पे ये नमाज़ पढ़ रही हैं, और मैंने अभी जोहर के टाइम से मैंने शूट ही नहीं किया कुछ, तो अभी मैं अब शूट करना स्टार्ट कर रही हूँ। भाभी वहाँ पे ऊपर अफ्तारी बना रही है, यहाँ पे भाई फ्रूट्स कट कर रहे, बट आज का जो क्या बोलते हैं तरबूज अच्छा नहीं निकला, मैं बताती हूँ कैसा था, कुछ येलो टाइप का निकला है, ये देखो हमने रेड मंगाया था हमने रेड मंगाया था पर येलो आ गया, मैंने देखा था क्या किस पे देखा, फ्लिपकार्ट पे मैंने येलो तरबूज देखा था, तो ये रियल में येलो ही आ गया है, रेड से कन्वर्ट येलो में हो चुका है। तो अभी यहाँ पे फ्रूट कट करें, अभी देखते हैं अफ्तारी में क्या क्या बन रहा है, चलो। यहाँ पे पालक के पकौड़े बन रहे हैं भाभी के हाथ के, भाभी यहाँ पे थोड़ा डल फील कर रही है क्योंकि इनको रोज़ा लग गया भाभी यहाँ पे पकौड़े बन रहे हैं, और यहाँ पे हमारा खाना बन चुका है, दाल चावल
अफ्तारी के टाइम में ही खाना बन जाता है तो ज़्यादा बेस्ट होता है, इसलिए हम अफ्तारी के टाइम में ही खाना वगैरह सब कुछ रेडी कर लेते हैं। तो हेयर इट इज़, अभी अब मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, ये देखो बिल्कुल जो बादल है बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। सर ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे व्लॉगिंग भी करनी है, तो मैंने जोहर में व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं किया है, एंड देन मैं असर में स्टार्ट किया मैंने ये व्लॉगिंग करना। हमने असर की नमाज़ पढ़ ली है, यहाँ पे प्रॉपरली रेडी हो रहा है सब कुछ, असर के जो भी मगरिब का सो इफ्तारी का टाइम हो चुका है, बट अभी अजान नहीं हो रहा है, तो सब बैठ के यहाँ पे दुआ मांग रहे हैं, अजान का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे इनाया भी दुआ मांग रही है, यहाँ पे दुआ मांग रही है। बेटा दुआ में क्या मांगा? यहाँ पे नए ने अपने रोजा खोल लिया है। इफ्तार के बाद मेरा कुछ खाने का मन नहीं था, उसके बाद मैंने आइसक्रीम खाई। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, आगे के अपडेट लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।